हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ ब्लैक विडो का ये वाला स्केच जो मैं बना रहा था पिछली वीडियो पे, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको शेडिंग करके दिखाऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आप ध्यान से देखना और पूरी वीडियो देखना। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो को ब्लैक एंड वाइट कर रहा हूँ, तो ब्लैक एंड वाइट हो गई है तो फिर अब मैं आसानी से कर पाऊँगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फेस में हमें सबसे पहले शेडिंग करने के लिए एक बेस लेयर देनी है किसी भी लाइट पेंसिल से। फिर उसके बाद बेस लेयर देने के बाद हमें ब्रश से ब्लेंड कर देना है। फिर उसके बाद जो पार्ट्स हैं, मेन फीचर्स हैं, तो उनको हाइलाइट्स करना है थोड़ी डार्क पेंसिल से। फिर हमें ब्लेंडिंग के साथ साथ शेडिंग करते जाना है बारी बारी। फिर जो हमें जहाँ जहाँ पर डार्क एरियाज दिख रहे हैं तो उसको धीरे धीरे शेड करना है। याद रखना कि हमें ये सब शेडिंग से करना है और एकदम से नहीं कर देना है, या हमें बिल्कुल स्लो स्लो पेंसिल चलानी है और बस फिर ऐसी ही शेडिंग हो जाएगी। और ब्लेंडिंग करना भी ज़रूरी है। फिर हम हेयर्स बनाने के लिए एक लाइट पेंसिल लेंगे, तो फिर उससे पहले हमें एक एक हेयर की डायरेक्शन से जैसी डायरेक्शन दिख रही है वैसे ही हमें चला देना है लाइट पेंसिल से। फिर उसके बाद हमें ब्लेंड करना होता है। फिर उसके बाद एक और थोड़ी उससे डार्क पेंसिल से दोबारा वैसे बनाना है। फिर हम लेंगे सबसे डार्क पेंसिल जो होगी 8B या फिर 10B, तो उससे जो हमें सबसे डार्क एरियाज दिख रहे हैं उनको बना देना है। फिर यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे जैकेट है मैं उसको बना रहा हूँ चारकोल पेंसिल से, तो मैं बस इजीली चारकोल पेंसिल से तो डार्क कर सकता हूँ, तो मैं इजीली डार्क करके बस ब्लेंड कर दूंगा, तो इससे हमारी ड्राइंग ऐसे बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप भी इसे बनाने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो यार।